नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफिक.इन से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ये भी देखेंगे, ट्रेंड लाइन लेवल्स, ऑप्शन डेटा को रीड करेंगे और लाइन चार्ट को भी देखेंगे। पहले कल क्या मैंने बताया था, कल के वीडियो में मैं बता देता हूँ। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कल का क्लोजिंग था और कैंडल इसके इस रेड कैंडल के बीच में क्लोज़ हुआ था, और मैंने बोला था दिस इज़ बुलिश रिवर्सल हरामी पैटर्न। सो बुलिश रिवर्सल हरामी पैटर्न जब भी होता है तो एक मूव आता है ऊपर की तरफ, तो उसके कारण ये एक मूव आया, दैट वाज वन रीज़न। और दूसरा रीज़न ये था, दो रीज़न मैंने बताया था, और दूसरा रीज़न ये था कि डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ था लाइन चार्ट में। डबल बॉटम पैटर्न बनने के कारण भी यहाँ से ब्रेकआउट, मैंने बोला था कि ये नो ट्रेड जोन है जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट ना हो। ब्रेकआउट होने के बाद आप इस रेंज से बाहर जब निकले, 34871 से लेकर 34930 के बीच के ये रेंज से बाहर जैसे निकले, एक बड़ा मूव आएगा। और कल जैसे मैंने बोला था एग्जैक्टली वैसे ही बड़ा मूव आया, और ये डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, और ये जो बुलिश हरामी रिवर्सल पैटर्न जो है, कैंडल पैटर्न इसको बोल, इन दोनों कैंडल को मिलाकर बोलते हैं बुलिश हरामी रिवर्सल कैंडल पैटर्न, उसका भी हमें मोमेंट मिला। तो दो इंडिकेशन कल हमारे पास था, डेटा डेवलप नहीं था तो हमें टोटली चार्ट के ऊपर ही निर्भर करना था। सो आई वाज वेरी मच श्योर दैट आज मार्केट ऊपर जाएगा, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल 34916, जो पिछले कई दिन से मैं इस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसकी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर होल्ड किया बैंक निफ्टी ने और उसके बाद एक बड़ा मूव आया। तो चलिए एक इंट्राडे चार्ट को देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। 15 मिनट चार्ट में अगर देखें हम, तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सपोर्ट लिया यहाँ पे, सपोर्ट लेने के बाद फिर एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट यहाँ पे आया, और ब्रेकआउट आया लगभग 12 बजे के आसपास, 11:30-12 के आस ये ब्रेकआउट आया। उसके बाद कंटिन्यूस बैंक निफ्टी अपने स्विंग लो को मेंटेन करते हुए कंटिन्यूस ऊपर गया, और लास्ट में एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, और वापस बैंक निफ्टी जो मैं हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था जो मैंने कल बताया था नो ट्रेड जोन, उसके पास आके क्लोजिंग दिया। सो ये ऊपर 35,490 के पास जाकर वापस नीचे क्यों आया, ये हम लोग को डेटा में समझना होगा। डेटा में आप देख सकते हो कि 35,500 पे 35,000 ट्रेड्स ओपन थे कॉल साइड में, और पुट साइड में 34,000, 35,400 पे 11,000, पुट साइड में 7,000। सो ये दोनों 35,500, 35,400, ये दोनों जगह पे कॉल साइड में पुट साइड से ज़्यादा ट्रेड ओपन थे। तो और उसके अलावा यहाँ पे 17,000 ट्रेड्स भी आज ही ऐड हुए 35,500 पे। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था जो बैंक निफ्टी यहाँ इसके करीब आकर वापस नीचे 35,300 के ऊपर और 35,400 के नीचे में बंद हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेटा में ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा था। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेटा आप हमेशा देखा करें, क्योंकि चार्ट में आप अगर ऊपर में आप अपने बाई किया और बाई करते गए और फिर वापस आपको पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये डेटा में अगर देखा होता आपने तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होता, और हमने वैसे ही किया, हमने प्रॉफिट बुक किया। तो ये जो डेटा देखने का जो आदत है आपको बना कर रखना पड़ेगा, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे क्या, कल क्या होगा, कल के दिन के लिए अभी दो चीज़ है। पहला बात कि यहाँ पे 35,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, अगर 35,500 के डायरेक्ट ऊपर खुलते हैं 35,600 पे, तो 10,000 यहाँ पे कॉल साइड में ओपन है और 2,000 ट्रेड्स ओपन है पुट साइड में, और पुट साइड में कुछ खास ट्रेड्स है नहीं उसके आगे। डायरेक्ट 36,000 पे आप देखिए 43,000 हाईएस्ट कॉल रेटिंग है, और यहाँ पे 2,000 है, तो ऊपर में ज़्यादा हमें पुट साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन कॉल साइड में जो डेटा बन रहा है, अगर गैप अप होता है कल के दिन मंडे को, अगर गैप अप होता है और मार्केट 35,500 के ऊपर और या 35,600 के पास खुलता है, तो ये जो पीछे में जो ट्रेड्स ओपन थे 35,400, 35,300, जिनके कारण आज इन दोनों के कारण 35,400, 35,500, इन दोनों के कारण जो आज मार्केट लास्ट मोमेंट में थोड़ा नीचे आया 200 to 130 point, वो जो यहाँ पे जो ट्रेड्स ओपन है ये इनमें थोड़ा पैनिक आएगा। अगर 35,600 के पास खुल गया या 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ने होल्ड कर लिया, तो इनके अनवाइंडिंग के कारण बैंक निफ्टी अगेन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ पे
यहाँ तक पहुँच जाएगा 35,800 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि 35,800 तक ईजिली पहुँचेगा, और जब तक उसके बाद 35,500 के जो ट्रेड्स ओपन है यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू नहीं होगा, तब तक ये 35,800 के ऊपर 36,000 के पास हम नहीं जा पाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट लेवल देखने होगा हमारे लिए कल। कल अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो चार्ट के साथ 35,500 का डेटा को जरूर देखें कि यहाँ पर अनवाइंडिंग चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, या यहाँ पे चेंजेस हो रहा है नहीं, या पुट साइड में यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। चलिए अब हम लोग चार्ट में देखते हैं लेवल्स को। चार्ट में हमें इंट्राडे चार्ट में, अगर ये आवर्ली चार्ट है, यहाँ पे हमने क्लोज़ दिया है। मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, हम यहाँ पर कल जाकर यहाँ तक मिनिमम 35,810 जो लेवल है उसके आसपास हम ज़रूर जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये जो है ये पहले का हाई भी है, ये हमारा पहले का हाई है। ये आपको इसी मंथ के स्टार्टिंग का, जून मंथ के स्टार्टिंग का हाई है जो बैंक निफ्टी ने बनाया था। तो 35,800 के पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी एक लेवल बन के आ रहा है, और वापस से एक प्रीवियस हाई भी है। सो इसलिए मैं कहता है कि अगर अगर बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर खुल जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बैंक निफ्टी इसको टेस्ट करेगा ज़रूर इस अपने हाई को। तो यहाँ तक आप ट्रेड आराम से बना सकते हो। अगर थोड़ा नीचे भी आता है तो 35,272 के आसपास का एक सपोर्ट मिलता है। 35,272 से लेकर 35,300 ये जो रेंज है ये नो ट्रेड जोन अब बन कर आएगा। इसके नीचे अगर जाता है 35,250 या 35,270 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है कंटिन्यूसली 1 आवर 30 मिनट्स, तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। अदरवाइज़ एवरीथिंग विल बी फाइन, और आप ऊपर के ऊपर का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। आप इन द मनी कॉल 35,300 का कॉल या 35,200 का कॉल लेकर आप ऊपर 35,800 के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो ये है आपको ऊपर का लेवल। अब चलिए लाइन चार्ट में देखते हैं, लाइन चार्ट में एग्जैक्टली क्या हमें दिख रहा है। ये डबल बॉटम पैटर्न बना है, और हमें ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर होल्ड करेगा बैंक निफ्टी। तो इसके ऊपर आपको ज़रूर बाई करना है। तो और ये ट्रेंड लाइन भी था, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, और बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। और 35,300 का लेवल जो हमारा बरसों पुराना लेवल है, जिसको बैंक निफ्टी बहुत समय से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हो कितनी बार बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे इसको बस तोड़ा, फिर इसको फिर ट्राई किया, यहाँ पे 3 बार ट्राई किया, फिर यहाँ ट्राई किया। इतने सारे ट्राई के बाद फाइनली बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, लाइन चार्ट जब भी दिखाऊँ तो क्लोजिंग की बात होगी। ये क्लोजिंग देने के कारण ये पैटर्न, ये जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन जाएगा। जितना जितना प्रॉब्लम इसको क्लोजिंग में हुआ था, उतना ही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इसको टूटने में भी होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर भी आएगा। और दूसरी चीज़, लाइन चार्ट में हमें एक बहुत शानदार पैटर्न दिखा, जिस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये बहुत ही शानदार इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मुझे दिखा, और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो का टारगेट मुझे जो कैलकुलेशन के साथ, मेरे कैलकुलेशन के अनुसार जो आ रहा है, वो 36,486 के पास आ रहा है, ये लाइन चार्ट के अनुसार। अगर यही चीज़ मैं कैंडलस्टिक में कैलकुलेट करूँ तो कैंडलस्टिक में मेरा टारगेट आ रहा है 36,720, और लाइन चार्ट में कितना आ रहा था, 36,486, और इसमें आ रहा था आपको, इसमें आ रहा है 36,720। तो इसलिए 720 इसमें ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कैंडलस्टिक में हम लोग लो से लेते हैं और लाइन चार्ट में हम लोग क्लोजिंग से लेते हैं। तो इसलिए क्लोजिंग से कैलकुलेशन लेते हैं, तो इसलिए इसमें आपको 36, इसमें आपको 300 पॉइंट्स का डिफरेंस आ, 300-250 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर का लेवल आपको बनकर आ रहा है 35,800। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये आपको वॉच करने के लिए, और ये लेवल के ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी 36,200 की तरफ, 36,300 की तरफ निकलेगा। ये जो पैटर्न का जो टारगेट है वो 36,720 है, और ये पैटर्न अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम आराम से 36,720 की तरफ निकल जाएंगे। सो आपको बाय एंड डिप स्ट्रेटजी अपनाना है, और हर एक लेवल को आपको ध्यान से याद रखना है, लिख कर रखना है कि इस लेवल के नीचे जाने से नहीं, थोड़े समय, आधे घंटे, 45 मिनट, एक घंटे अगर ट्रेड करता है, या आप अगर चार्ट जानते हैं तो आवर्ली कैंडल क्लोज हो जाता है, या 30 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद वापस उसका लो तोड़ने लगता है, तो प्लीज़ आप उससे एग्जिट हो जाए। अदरवाइज़
ट्रेड में बने रहें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। जैसे आपको प्रॉफिट होने लगता है, तो आप मान लीजिए आपने 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना लिया है, तो आप एटलीस्ट अपने कैपिटल के पास, जो आपका मेन पैसा जो लगा है, उसके पास ट्रेलिंग कर ले, और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाते रहें। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है हमें, और इवन दो आपको वीकली चार्ट में अगर दिखाऊं, तो वीकली चार्ट में आप देखिए बहुत ही शानदार ब्रेकआउट। मैंने 2 वीक पहले के वीडियो में बताया था कि थर्सडे को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को, और थर्सडे तक ये कैंडल रेड रहेगा, और अगले दिन एक दिन में आपको ये कैंडल पूरा ग्रीन कर देगा। तो ये जो हुआ वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, क्योंकि इस कैंडल को ग्रीन करना था, और मेरे प्रिडिक्शन, मेरे स्पेकुलेशन के अनुसार एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने सोचा था। और मैं वही सोच रहा हूँ जो मार्केट में होना चाहिए, और डेटा जैसे रीड कर रहा हूँ उसके अनुसार होना चाहिए। तो सिर्फ चार्ट देखकर बहुत लोग बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन मैं डेटा रीड करता हूँ, कैंडल स्टिक देखता हूँ, इवन लाइन चार्ट को भी देखता हूँ। मैं तीनों चीज़ों को मिलाकर उसके बाद मैं आपके सामने बताता हूँ कि ये क्या होने वाला है। तो ये वीकली चार्ट इज़ वेरी गुड। आप देख सकते हो यहाँ से ये गिरा, बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट लिया, और फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो गया। पहला कैंडल ब्रेकआउट हो गया, और दूसरा कैंडल जैसे 35,230 के ऊपर निकला, तो एक नया ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद हम लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएंगे। तो लेबल्स को याद रखिए, वीडियो में जो मैं जो लेबल्स दिया उसको नोट कर लीजिए आप, और लेबल्स के अनुसार काम कीजिए। डेली चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने लाइन चार्ट में दिखाया आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वही डेली चार्ट में आपको देख लीजिए। ये है शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक ये है हेड, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये है शोल्डर, और ये है ब्रेकआउट। तो ये बहुत ही बेहतरीन हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल हो गया तो आप बहुत ही फास्ट बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखेंगे। और याद रखिएगा, ये मूवमेंट, ये पैटर्न हमें मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल होता है। उसी हेड एंड शोल्डर को आप इंट्राडे में, इंट्राडे चार्ट में देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा हेड शोल्डर हो गया, यहाँ से यहाँ तक हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ उसका ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट देने के बाद ये गैप अप अगर दे दिया तो बहुत ही शानदार होगा, और नहीं भी दिया तो खुलते ही बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस 35-70 के नीचे या 35-50 के नीचे होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट भी कर जाता है नीचे, अगर आपने लिया और हिट भी कर जाता है, और वापस अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, वापस आप खरीदिए, क्योंकि आई एम वेरी मच बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। ओके, थैंक्स अ लॉट। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द लेवल्स, लाइन चार्ट, ट्रेंड लाइन, ऑप्शन डेटा, एवरीथिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।